हाँ नंडी रोने मेरी कुछ ही गल करनी है मेरे गाड़ी के रंग मेरे देखने मेरा खसम जी बैठी हाँ देखने नहीं बोलो मेरे देखने मेरा खसम मरी है देखने बोलता मेरू हूँ नंडी रोने मेरी कुछ ही गल करनी मेरे बच्चे ने कितों गल करनी मेरा माल दर बदर हो गया मेरा बकरी मेरी रह गई इसी माल बच्चे हम घड़े खड़ते खा पी के रही थे हूँ मेरा माल रहने गुम काम गिर रखे तो तुम मेरा द्वार गिर सकते आओ कुछ गल आओ मेरे कुछ ही गल करनी एक तो कह रहे हैं कि आप जो लंबरदार चौकीदार भी था जी क्या वो मैजिस्ट्रेट हैं जी उनको शर्म नहीं आई कि गरीब लोगों का हम तोड़ फोड़ कराएं जी सर वो पास कौन सी अथॉरिटी है सर वो बैठे रहे किसी ने मना नहीं किया कि इनका घर मत तोड़ो वो बैठे रहे मंजे पे बैठ गए हम रोज उनकी कंप्लेंट सुन रहे हैं कभी झूठी शहादतें देते हैं लोगों की कभी रास्ते दबवाते हैं ये कौन सी लंबरदारी है हम तो कहते हैं डीसी साहब से एसडीएम साहब से कि इनकी लंबरदारी छीन के कोई और लंबरदार बनाया जाए जी सर सर ये जो हमारा चौकीदार है नी वो तो मेरे मैं सोचता हूँ तो पैसा खाता है जो हमारा चौकीदार है जो उसका जो हिसाब करता है तो हमें चाहिए चौकीदार उसको साइड करना चाहिए और नंबरदार जो है नंबरदार भी साइड चाहिए और गुंडागर्दी करते हैं उनको एक एक पैक चाहिए नहीं बस लोगों के घर तोड़ना शुरू करते हैं वो कोई नंबरदार है वो चौकीदार है जो हमारे मीन बनते हैं हम लोगों ने बनाए किस लिए बनाए बात करने के लिए बनाए नहीं कि तोड़ फोड़ करने के लिए बनाए ये मेरी सत्योग साहब रिक्वेस्ट है दुखदायक खबर है ये दुख होता है हमें रोना आ रहा है कैसे इन गरीब लोगों के आंखों में आंसू हैं रो रहे हैं ये चिल्ला रहे हैं गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ किया जाए हमें गरीबों को ना मारा जाए और हमारे बच्चों को ना सताया जाए गरीब बच्चे हैं और इनका जो है वो सुनवाई की जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ऑफिसर हजरात हैं अभी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी है जो इसमें संज्ञान लेगी फौरी तौर पर और इन गरीबों का जो है वो हक दिया जाएगा और इनको आइंदा तांग ना किया जाए ये हमें पूरा विश्वास है एसडीएम सर हैं एसएचओ सर हैं तहसीलदार साहब हैं इन गरीबों का कोई नहीं है और हमें चाहिए इंसानियत के नाते लीगल तरीके से जो है इनकी मदद की जाए गरीबों की हम 100 साल से रह रहे थे किसी को भी पूछ लो सर इधर 8-9 टोल रहते हैं किसी को भी पूछ लो सर यहाँ पे कौन रहता था हमारे बाप दादा यहीं पे रहकर गुजर गए सर सर तो हमारा अब डैडी ने रहा 3 महीने हो गए डैडी एक्सपायर हुए हमारे तो सर हमारी कोई सुनाई नहीं हमारा वो भी रिश्तेदार है सर उसने आके हमारी तोड़फोड़ कर दी क्या रिश्ता लगता है उसके साथ जो उसने तोड़फोड़ की वो दादा लगता है सर दादा आप तो कह रहे हैं कि दादा हमारा एक्सपायर हुआ है नहीं सक्का दादा नहीं गाँव के रिश्ते से दादा है सर जो मेरा डैडी है डैडी हुआ भी हम डैडी गुजरा अच्छा आपके डैडी जो है गुजर गए जी तो जो सगा दादा था वो भी गुजर जी, गया जी वो भी गुजर गया सर ये कौन है दादा वो दबाने की कोशिश कर रहे सर उधर नायब सरपंच बैठे थे इधर पुलिस का भाई यहाँ जी सर दूसरे दिन पुलिस आ गई इधर हवलदार आए उन्होंने चेक किया सर इधर देखा सर लेकिन सर लेकिन किसकी मौजूदगी में ये तोड़ फोड़ हुई है सर उस टाइम इधर 5 आदमी थे सर बाहर के एक तो कह रहे हैं कि आप जो लंबरदार चौकीदार भी था जी क्या वो मैजिस्ट्रेट हैं जी उनको शर्म नहीं आई कि गरीब लोगों का हम तोड़ फोड़ कराएं जी सर वो पास कौन सी अथॉरिटी है सर वो बैठे रहे किसी ने मना नहीं किया कि इनका घर मत तोड़ो वो बैठे रहे मंजे पे बैठ गए हम रोज उनकी कंप्लेंट सुन रहे हैं कभी झूठी शहादतें देते हैं लोगों की कभी रास्ते दबवाते हैं ये कौन सी लंबरदारी है हम तो कहते हैं डीसी साहब से एसडीएम साहब से कि इनकी लंबरदारी छीन के कोई और लंबरदार बनाया जाए जी सर सर ये जो हमारा चौकीदार है नी वो तो मेरे मैं सोचते तो पैसा खाता है जो हमारा चौकीदार है जो उसका जो हिसाब करता है वो तो मैं सोचता हमें चाहिए चौकीदार उसको साइड करना चाहिए और नंबरदार जो है नंबरदार भी साइड चाहिए और गुंडागर्दी करते हैं उनको एक एक पैक चाहिए नहीं बस लोगों के घर तोड़ना शुरू करते हैं वो कोई नंबरदार है वो चौकीदार है जो हमारे मीन बनते हैं हम लोगों ने बनाए किस लिए बनाए बात करने के लिए बनाए नहीं कि तोड़ फोड़ करने के लिए बनाए नुकसान हुआ है घर का तो मकान का तो सर तोड़ फोड़ कर दिया जो हमारा माल गायब हो गया सर उसको दो जिसको दवाई चल रही है देखो आज भी रात को सर पत्थर गिरा ऊपर से और मेरी बकरी आज भी एक घायल हो गई वो गई है चुगने लेकिन दो तो देखा है आपने सर इधर बैठी हुई है आज इनको 6 दिन हो गया सर हमारी कोई बातचीत नहीं कर रहा है देखने नहीं बोलो मेरे देखने मेरा खसा मरी है देखने बोलता मेरू हूँ रंडी रोने मेरी कुछ ही गल करनी मेरे बच्चे ने कितों गल करनी इन्हें आगे पिछले पता नहीं है ना कुछ ही करने की मेरी गल होनी उधर से मेरा माल दर बदर हो गया मेरा बकरी मेरी रह गई इसी माल बच्चे हम घड़े खड़ते मिकी आंखे में खड़ना क्यों के बच्चे अंडी मेरी कुनी गल नहीं की अच्छा गरीब मारे गई है गरीब मारे से गरीब है मेरे गल करो कुछ कह रही जाओ हथ कर तो मैं करो गरीबी सुनाए करो मेरे दिन डेड़ो रही मेरे विद्वाना लो
मेरा बरा नहीं रहा हूँ, मेरे बच्चे दर बदर हो गए, मेरा माल दर बदर हो गया, मेरा माल रह गया सी, माल पीछे गाड़ी खटनी हूँ, गरीबा ना मारो सा मेरा गिरी पकड़ मजद करो। ये थे हमारे साथ जो है बड़ा दुखदायक खबर है, ये दुख होता है हमें, रोना आ रहा है, कैसे इन गरीब लोगों के आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ किया जाए, हमें गरीबों को ना मारा जाए और हमारे बच्चों को ना सताया जाए, गरीब बच्चे हैं और इनका जो है वो सुनवाई की जाए। खिलवा हल्ला और खलवा विलेज हल्ला पंचायत लुआंग नॉर्थ तहसील बनी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका कहना है कि हम कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, इनके साथ वारदात पेश आई है, हम इनसे ही जानते हैं और हम देख सकते हैं कितने गरीब लोग हैं और इस दूर दराज इलाका में ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपने माल मवेशी पाल कर, भेड़ बकरियाँ पाल कर और दूध की गायें पाल कर जो है यहाँ पे ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं, गरीब इंसान है ये और इनसे क्या जो है वारदात पेश आई है हम इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? बंटू। क्या वारदात हुई यहाँ? वो लोग आए पार्टी बना के। कौन? जो जिन लोगों ने घेरा है वो लोग पार्टी बना के आ गए, उसमें बीच में था लंबरदार सारा चौकीदार, दो तीन हमारे गांव के बंदे कोई और थे, उनके सामने सामने हम नीचे यहीं बैठे थे, वो बंदे ऊपर कोठे पे बैठे थे, चौकीदार हमारे को बोल रहा बोला ऊपर आ जाओ, हमने बोला ऊपर क्या करना, जो बात करनी तो कर लो, इन्हीं बात अपने में मुँह से बोलने से उन लोगों ने पत्थर उठाकर डंडे लेकर ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करनी उन लोगों से शुरू कर दिया। उसके बाद मैं चला गया चौकी पे, मैंने एप्लीकेशन दी, तो एप्लीकेशन दे के मैं शाम को एप्लीकेशन दे के सुबह यहाँ पूछा, उसके बाद कल बहुत बारिश हुई, उस बारिश में मेरा बहुत नुकसान हुआ है, कई बकरी मेरी मर गई है, कई बकरी मेरी गुम हो गई, कई बकरी मेरा जीव खा गया, यहाँ से 10 बकरी मेरी जो है गुम हो चुकी है, इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी नुकसान हुआ है जायज। जो कह रहे हैं आपके लंबरदार था और चौकीदार, इनका नाम क्या है? एक नाम शैना, दूसरा नाम तिलक, उन लोगों ने कोई बात नहीं की, इसका मतलब है वो पाली। लंबरदार का नाम क्या है? तिलक। और चौकीदार शैना, तो उनके सामने ये सब सामने सब दो लोग हमारे गांव के और बंदे थे, उन लोगों के उनके सामने ये काम किया है, तो बाकी लोगों के पीछे वो लोग क्या करेंगे, हम तो हमें जान का खतरा है अपना। तो कब से रह रहे हैं आप इधर? हम तो सर दादा परदादा मेरा मर गया, वो 100 साल से वो भी इस जगह पर रह रहा है, अभी पीऊ मेरा 65 साल का वो भी चला गया है, वो भी इधर ही रह रहा है, अभी 30-35 साल मेरी भी उम्र है, तो मैं भी इसी जगह पे रह रहा हूँ। तो आज तक किसी ने आपसे ये मुदाखलत नहीं की थी कि ये जगह का? किसी ने नहीं, अभी वो बदले बोल रहे हैं कि तेरे पीऊ को हमने ये जगह दी थी, जब या मेरे पीऊ को इन लोगों ने जगह दी थी नहीं तो पहले क्यों नहीं ली, जब मेरा पीऊ जिंदा था, पीऊ मेरा जिंदा था, दादा मेरा जिंदा था, तब उन लोगों ने क्यों नहीं ली? अभी मेरे पीऊ को 3 महीने मारे हुए हैं नहीं, तो वो लोग हमारे पीछे पड़ गए, सब हमारी को सुनाई नहीं कर रहा, हमारे चौकी में भी एप्लीकेशन दी, लुआंग में भी दी, फिर हमने बनी में भी दी, बनी वाले बोलते हैं लुआंग में जाओ, लुआंग वाले बोलते हैं जो हमारी तो आपकी तोड़ फोड़ की है, जाओ आप बनाओ, उसके बाद हम आपकी राजूनामा करेंगे। जो सब नए SHO साहब आए हैं उनके पास गए आप? जब मैं गया हुआ तब नहीं था, दूसरे दिन पहुँचाओ। तो ये जो SHO आए हैं हमें पूरा यकीन है कि आपका जो है मसला हल करेंगे, क्योंकि ये गरीबों की आवाज़ सुनते हैं, कल भी हमने देखा कि वो दूर दराज इलाके में पैदल जाकर, एक बाप के दो बेटे थे, उनका आपस में झगड़ा था, उनको घर के अंदर बिठाया है, जिसको बाहर सामान निकाला था। तो ऐसे लोग भी हैं समाज में, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में और एडमिनिस्ट्रेशन में, जो गरीबों की सुनवाई करते हैं। जी, हम नहीं कह सकते कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसे ऑफिसर भी हैं बहुत अच्छे हैं जो आपकी सुनवाई करेंगे। हमें भी उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, SHO साहब के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा देखो मौका करो, क्या क्या हालत हुई इधर। SDM साहब भी नए आए हैं, तहसीलदार साहब भी, वो सब इसका संज्ञान लेंगे। तो ये जो आपका नुकसान हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ तक हमने जाना था ना वहाँ तक हमने जा चुके हैं, सुनेंगे तब भी ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे। नहीं, जब आप इधर कई सालों से रह रहे हैं, तो आप रह रहे हैं जी 100 साल से पहले, तो वो जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं वो कौन है? वो भी हमारे रिश्तेदार, ये इनकी साथ में ये भी रहते हैं, साथ में रहते हैं। अच्छा, उस तरफ जो घर है जी तो वो कहाँ पे है अभी? अभी तो नीचे है ना, घर में चला गया। यहाँ पे नहीं है? नहीं है सर। उनका कोई नंबर वगैरह? उनका नंबर मेरे पास तो नहीं है, आपके पास है कोई नंबर? मलकियत जमीन है ये जो है सारी? जमीन तो मालकी है, तो ये मलकियत ज़मीन है इनका कहना है कि, और कई सालों से यहाँ पे ये रह रहे हैं और फिर भी इनको ज़बरदस्ती जो है यहाँ से, जो एक कह सकते हैं हम कि गुंडागर्दी करके जो है यहाँ से इनको जो है भगाया जा रहा है।
जी जी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी हेल्प करो, जो हमारा नुकसान हुआ है, जो हमारी तोड़ फोड़ हुई है, जो हमारा किराया जैसे किराया वैसे बनाना, जो हमारा नुकसान हुआ वो चाहिए हमें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एस एच ओ साहब से।